हेलो बच्चों माय सेल्फ ताराचंद टीम सीएलसी मैथ्स सो आज हम लोग बात करेंगे आगे हमारा जो नेक्स्ट पेपर हुआ है डीसीएम का मैथ्स uh, का थर्ड पेपर जो था uh, उसका डिस्कशन तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या था और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि फोर एंड एल्फा विल बी इक्वल टू पाई देन वैल्यू ऑफ कॉट एल्फा कॉट टू एल्फा कॉट थ्री एल्फा अप टू कॉट टू एन माइनस वन एल्फा एच तो देखिए आपको एक कंडीशन दी है और उसके थ्रू एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस उस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो so चलिए बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाएगी तो ध्यान से अगर देखे देखिए टू एन एल्फा यहां पर यूज हो रहा है यहां पर टू एन एल्फा और हमें यहां पर वैल्यू दी हुई है फोर एन एल्फा की सो so यहां से हम देख सकते हैं कि टू एन एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई पाई टू और ये टू एन एल्फा की वैल्यू पाई पाई टू अगर मैं इस वाली ट्रम में पुट कर दूं यहां पर तो ये ट्रम क्या बन जाएगी मेरी कोट टू एन एल्फा एल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सो दैट इज पाई पाई टू एंड माइनस एल्फा सो दैट विल बी कोट पाई पाई टू माइनस एल्फा ऐसे ही इसके जो पहले ट्रम होगी उसमें कितना होगा उसमें होगा कोट टू एन माइनस टू एल्फा तो टू एन एल्फा तो उसमें भी रहेगा बट वन की जगह पे टू आ जाएगा तो वो ट्रम बन जाएगी हमारी कोट टू एंड एल्फा की जगह पाई पाई टू एंड माइनस यहां पर एल्फा टू के साथ मल्टीप्लाई होगा सो दैट इज एल्फा तो इस तरीके की ट्रम बन रही है और इनको अगर हम ध्यान से देखें तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा सो देर विल बी टेन एल्फा और इसके पहले वाली ट्रम क्या बन जाएगी टेन टू अल्फा। ठीक है बच्चों देखिए साथ में ही इधर से अगर हम देखें इसकी जो पहली टर्म है वो क्या है कॉट एल्फा तो कॉट एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टेन एल्फा और इसके आगे कॉट टू एल्फा जो है उसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टेन टू एल्फा एंड ऑन so इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा तो देखिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि इनिशियली से जो पहली टर्म है वो आखिरी टर्म से कट रही है सेकेंड लास्ट टर्म है वो सेकेंड लास्ट टर्म से कट रही है और इस तरीके से चल रही है सारी टर्म्स लेकिन एक चीज अगर हम और देखें ध्यान से तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है वो ऑर्ड है क्यों क्योंकि देखिए एल्फा से शुरू होकर के टू एन माइनस वन एल्फा के पे जाके फिनिश हो रही है दैट मीन्स जो इसकी मिडल टर्म होगी वो क्या होगी वो आपकी बच जाएगी इसके बाकी सारी तो कट जाएगी बट मिडल ट्रम बच जाएगी तो जो मिडल टर्म है उसके बारे में अगर देखें तो वो कितनी होगी तो मिडिल ट्रम में कितना आएगा यहां से जैसे one से स्टार्ट हो रहा है उधर से भी वन से तो एग्जैक्टली exactly कितना आएगा वो आएगा, आएगा आपका टू एन माइनस एन एल्फा तो उसको जब आप लिखेंगे तो टू एन माइनस एन एन बन जाएगा तो वो बन जाएगा आपका कॉट एन एल्फा और कॉट एन एल्फा की वैल्यू कितनी होगी तो एन एल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें सो दैट इज पाई पाई फोर और कोर्ट पाई पाई फोर की वैल्यू कितनी होती है वन होती है ठीक है तो देखिए बाकी सारी टर्म्स तो कट गई है आपकी और बीच वाली जो टर्म है वो कितनी रही है वन रही है तो इस तरीके से आपके सामने मल्टीप्लीकेशन चलेगा तो ये जो बचेगा आपके पास में जो फाइनल आंसर इसका होगा वो कितना होगा वन होगा और ऐसा हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है क्लियर है सो so, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन है आपका चार टर्मिनोलॉजी दी गई है आपको और ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम ऐसे ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है ठीक है आपको किस तरीके से सोचना है देखिए इसके अंदर ये जो नंबर है आपके सामने ये है आपका जीरो से वन के बीच में कहां पर है जीरो से लेकर के वन के बीच में होगा क्यों क्योंकि ये टेन पाई पाई फोर वन होता है और उसके बीच में जो भी नंबर आएगा उससे छोटा जीरो से लेकर के पाई पाई फोर तक ठीक है उस हर नंबर की वैल्यू उस हर टेन की वैल्यू कितनी होगी जीरो से लेकर वन के बीच में आएगी चाहे जो भी होगा हमारा काम सिर्फ इस आइडिया से चल जाएगा कि जीरो से वन में होगा और ऊपर भी कितना है जीरो से वन ऐसे ही दूसरे वाले के अंदर जीरो टू वन कोर्ट पर और कोट, पाई 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 कोट में उल्टा हो जाएगा ये जो वैल्यू होगी ये वन से बड़ी होगी क्या होगी ग्रेटर देन वन ठीक है ना वन से बड़ी होगी ठीक है यहां पर यह जो नंबर है ये ग्रेटर देन वन होगा और ऊपर वाला होगा आपका जीरो टू वन के बीच और आखिरी वाले के अंदर ये भी ग्रेटर देन वन होगा और ये भी कैसा होगा ग्रेटर देन वन अब देखिए हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे देखिए जिस भी नंबर का बेस अगर वन से बड़ा है तो वो नंबर वन से बड़ा होगा और जिसका बेस जीरो से है, वो वन से होगा। इसका मतलब हुआ कि जो आखिरी के जो दो नंबर है वो पहले वाले दो नंबर से कैसे होंगे बड़े होंगे क्लियर है इसके बाद वन से बड़े नंबर की जितनी बड़ी पावर करोगे वो नंबर उतना ही ग्रेटर होगा और जितनी छोटी पावर करोगे वो नंबर उतना ही छोटा होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है हमारे सामने ए फोर ठीक है ये सबसे बड़ा है ठीक है ना पहले नंबर पे कौन आएगा ये आएगा क्योंकि बेस भी वन से बड़ा है और उस, उस उ, उसके ऊपर जो पावर है वो भी वन से ग्रेटर है इसके बाद में क्योंकि हमने बात की थी कि ये दोनों नंबर उसके कंपैरिजन में छोटे होंगे तो सेकंड नंबर पर जो नंबर आएगा वो आएगा, आएगा आपका ए थ्री और इसकी रेंक क्या होगी सेकेंड नंबर पर अब आते हैं जीरो से वन के बीच में जीरो से वन के बीच में जो भी नंबर होता है उसकी जितनी बड़ी पावर करते हो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है और वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो छोटा होगा तो पावर इसकी ज्यादा है ये वन से बड़ी है ये वन से छोटी है इसका मतलब ये होगा इसके कंपेरिटिव में ये नंबर बड़ा होगा तो तीसरे नंबर पर आपका कौन सा नंबर आएगा ए आएगा और इसके बाद में आपके सामने एक नंबर बचा फोर्थ नंबर पर कौन सा होगा ए टू की जो वैल्यू होगी वो आपकी चार नंबर पे आएगी क्लियर है तो ये मैंने रैंकिंग लिखी है कि सबसे बड़ा नंबर है उसको वन दिया है और जो सबसे छोटा नंबर है उसको फोर दिया है तो इसके अगर हम लिखें तो ए फोर हमारा सबसे बड़ा फिर ए थ्री दूसरे नंबर पर ए वन तीसरे नंबर पर और ए टू आपका चौथे नंबर पर और ऐसा जो आपके सामने ऑप्शन है वही आपका क्या है सही आंसर है तो सही आंसर कौन सा हुआ आपका अगेन ऑप्शन नंबर थर्ड ना ए फोर ए थ्री ए वन एंड ए टू तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्लियर है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको तीन एंगल्स दिए गए हैं तीन टर्मिनोलॉजी दी गई है टेन के अंदर टेन ए बाई टू टेन बाई टेन बी बाई टू और टेन सी बाय टू और आपको बोला गया है कि ये किसके अंदर है ये एच के अंदर है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो कोट ए बाई टू इन टू कोट सी बाई टू हैज दी वैल्यू तो उसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में आपको क्या करना है बताना है सो तो चलिए बात करते हैं देखिए अगर ये तीनों नंबर एच में है तो इसमें क्या कंडीशन होगी इसमें कंडीशन होगी आपकी टेन बी बाई टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा क्या कंडीशन होती है एच के लिए बी इक्वल टू टू ए सी टू ए सी टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू डिवाइड बाई टेन ए बाई टू प्लस टेन सी बाई टू यही होती है चलिए यह कंडीशन आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको इसको लगाने में क्या रहेगी आसानी रहेगी अब आगे बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें चाहिए कोट ए बाई टू कोट सी बाई टू की वैल्यू तो देखिए कैसे निकलेगी टू टेन ए बाई टू सी बाई टू या इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू और साथ में मिलेगा आपको कितना टेन ए बाई टू के साथ बी बाई टू टेन बी बाई टू के साथ में सी बाई टू टेन सी बाई टू और इक्वल टू में है हमारे सामने टू टेन ए बाई टू टू टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू ये हमारे सामने तीन टर्म्स आ रही है चलिए बात करते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कंडीशनल आइडेंटिटी में याद होगा यहां पर देखिए ट्राइंगल्स के एंगल हमें ए प्लस बी प्लस सी कितना है पाई है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल वही ट्रिक करना चाहिए कि हाफ एंगल के अंदर टेन के अंदर ऐसा जो फॉर्मूला था उसमें क्या चीज थी तो उसमें थी आपके सामने दो दो का प्रोडक्ट का सम कितना होता है टेन के अंदर वन होता है तो इसके अंदर लेकिन एक ट्रम नहीं है तो उस ट्रम को हम ऐड कर देते हैं और वो ट्रम कौन सी नहीं है वो है टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू तो इसको इधर ऐड कर दिया और उधर भी इसको ऐड कर दिया टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू तो देखिए क्या बना आपके सामने ये जो पूरी की पूरी ट्रम है आपकी ये तो कितनी हो गई ये तो हो गई वन और उधर वो दोनों टर्म आपके सामने एड हो जाएगी तो एड होकर के आपको मिलेगा यहाँ से थ्री टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू विल बी इक्वल टू वन अब देखिए आपको निकालना क्या है आपको निकालना है कोट ए बाई टू कोट सी बाई टू देखिए हमारे सामने ए और सी एंगल ही बचे हैं बी अपने आप गायब हो गया ठीक है तो यहां से इसको उधर लेके जाएं इसको उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा वन अपॉन टेन ए बाई टू जो बन जाएगा आपका कोट ए बाई टू और ऐसे ही टेन सी बाई टू बन जाएगा आपका कोट सी बाई टू तो इसकी जिस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू पूछी गई थी उसका आंसर कितना आ रहा है आपका थ्री आ रहा है और अगेन आपका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही होगा आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है सभी के अंदर थर्ड ऑप्शन आ रहा है चलिए कोई बात नहीं कभी कभार होता है ऐसा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इन ए ट्राइंगल ए बी सी टू ए सी विल बी इक्वल टू साइन वन बाई टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू देखिए आपको तीन एंगल्स दिए गए हैं दो सम में और एक डिफरेंस में तो हम एक काम करते हैं सबसे पहले इसको एक के अंदर कन्वर्ट करते हैं इसको रखिए इट इज टू ए सी साइन इज और वन बाई टू एज इट इज ए प्लस सी को रिप्लेस कर दीजिए किससे पाई माइनस बी से सो पाई माइनस बी और एक बी पहले से प्रजेंट है तो ये बन जाएगा पाई माइनस बी माइनस बी क्लियर है इस वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा साइन नाइन्टी माइनस थीटा और उधर कितना है माइनस का टू बी है तो टू से डिवाइड होकर के बी बन जाएगा सो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है कॉस थीटा तो ये बनेगा आपका कॉस बी इसके बाद में देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमें यहाँ पर कोसाइन रूल से कॉस वाले फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है और उससे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कॉस बी कितना होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए डिवाइड बाय टू चलिए टू से टू कट गया बाहर जो दिखा हुआ था और ये बना मेरे को अब चेक करो कि आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल है इस बार ऑप्शन लेकिन तीसरा नहीं आया इस बार ऑप्शन कौन सा आ रहा है दूसरा आ रहा है तो हमेशा तीसरा नहीं आएगा चलिए कोई बात नहीं कोई सा भी आए हमें तो सारे कॉन्सेप्ट पता है तो हम तो जो भी ऑप्शन आएगा उस पर टिक लगा देंगे चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है देखिए आपको ए ट्राइंगल ए बी सी थ्री साइनेक्वल टू सिक्स एंड थ्री कोश ए प्लस फोर साइन बी इक्वल टू वन देन एंगल सी कैन बी तो एंगल सी क्या हो सकता है इसके बारे में आपको बताना है चलिए बात करते हैं देखते हैं, कितना आता है सो थ्री साइने प्लस फोर कॉस बी थ्री cos ए प्लस फोर साइन बी ये टर्म जब दिखती है तो क्या करने की इच्छा होती है तो एक ही इच्छा होती है कि इनको स्क्वायर करके एड कर दें तो जो इच्छा हो रही है वही करते हैं उसी से क्वेश्चन सोल्व होगा सो थ्री साइने प्लस फोर कॉस बी इसको स्क्वायर कर दिया और एड कर दिया किसके साथ दूसरी वाली ट्रम के साथ तो इसका स्क्वायर एंड प्लस थ्री को से प्लस फोर साइन बी का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में कितना आएगा स्क्वायर करेंगे तो सिक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर चलिए देखते हैं कितना आता है स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होता है देखिए यहां से आएगा नाइन साइन स्क्वायर ए यहां से आएगा नाइन कॉस स्क्वायर ए तो नाइन बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन बन जाएगा ऐसे ही यहां से आएगा देखिए सिक्सटीन कॉस स्क्वायर बी और यहां से आएगा सिक्सटीन साइन स्क्वायर बी तो अगेन 16 कॉमन आएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वन बन जाएगा इसके अलावा यहाँ पर आएगा देखिए थ्री इंटू फोर इंटू टू देर विल बी ट्वेंटी फोर साइन ए कॉस बी और वहाँ पर भी ट्वेंटी फोर ही आएगा लेकिन ट्रम अलग है तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन ए कोस बी पहले से आएगा और कोस ए साइन बी दूसरे से आएगा आएगा ट्वेंटी फोर ही तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया और इक्वल टू में कितना है मेरे पास इक्वल टू में है थर्टी सेवन आगे देखते हैं नाइन प्लस सिक्सटीन को उधर लेके जाते हैं तो यहां से ट्वेंटी फोर और ये किस चीज का फॉर्मूला बना दैट विल बी साइन ए प्लस बी ठीक है साइन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्टी सेवन माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज ट्वेल्व तो क्या मिला हमें हमें मिला साइन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू वन बाई टू साइन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ट्राइंगल के एंगल है तो पाई माइनस सी लिख सकते हैं और साइन पाई माइनस सी कितना होता है साइन सी ही होता है सो साइन पाई माइनस सी और दैट विल बी इक्वल टू साइन सी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव और वन डिग्री में साइन में ही रहेगा दैट विल भी इक्वल टू वन बाई टू तो यहां से देखिए सी की दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी एक तो आएगा सी आपका 30 डिग्री और दूसरा आएगा सी आपका 150 डिग्री अब लेकिन देखिए हमें दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं ठीक है सी 30 डिग्री भी दिया है और सी हमारा 150 डिग्री भी दिया है एंगल सी पूछा है और दोनों ऑप्शन दिए गए हैं अब दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन सही होगा तो अब देखते हैं कि क्या होगा हमें आ, कैसे Uh, कहां पर कौन सी चीज uh, एक ऑप्शन कौन सा हमें रिमूव करना है वो हमें कैसे पता चलेगा तो देखिए ध्यान से पहला ऑप्शन जो है आपका देखिए अगर सी थर्टी है तो ए प्लस बी कितना होगा वन फिफ्टी कितना होगा ए प्लस बी वन फिफ्टी और ए प्लस बी अगर वन फिफ्टी है तो जो पहला ऑप्शन आपको दिया है थ्री साइन ए प्लस फोर कॉस्ट बी ठीक है उसके अंदर अगर हम पुट कर दें किसी एक एंगल को जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइन्टी ले लें और एक को सिक्सटी ले लें ठीक है तो क्या ए और बी की जो वो वैल्यूज है उसको सेटिस्फाई करेगी और वैसे भी देखिए ए प्लस बी यहाँ से ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है ठीक है ना और ये काफ़ी जो बड़ी वैल्यू है ये तभी आ सकती है ठीक है ना जब आपके सामने दो काफ़ी बड़े बड़े एंगल्स हो कम से कम साइन के अंदर भी काफ़ी बड़ा हो और कॉस्ट में भी काफ़ी बड़ा हो क्लियर है तो अगर हम सी को वन फिफ्टी ले लेते तो ए और बी दोनों का सम मिल करके कितना हो सकता है थर्टी ठीक है तो अगर आपने एक को किसी को थर्टी भी ले लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने साइन को थर्टी ले लिया तो कॉस्ट जीरो हो जाएगा ठीक है तो उस केस में ये फोर प्लस वन बाई टू मैगजिमम कितना हो सकता है फाइव पॉइंट फाइव और दूसरे वाले को थर्टी ले लिया इसको अगर जीरो ले लिया तो भी आपके सामने कितनी पॉसिबिलिटी होगी फोर इंटू रूट थ्री बाई टू सिक्स नहीं आ रही है ठीक है ऐसे ही दूसरे वाले में इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी का जो सम है वो आपके सामने कितना होगा थर्टी नहीं होगा थर्टी नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी का सम वन फिफ्टी होगा और साथ में सी की वैल्यू क्या होगी थर्टी होगी तो ऐसी अगर जगह आपके सामने सिंगल करेक्ट में अगर कहीं पर भी आता है तो आपको इस तरीके से उसको क्या करना है चेक करना है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्या है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको आर डिवाइड बाई आर वन इक्वल टू आर टू डि थ्री तो एंगल ए बी और सी में से आपका एक एंगल कोई 90 डिग्री आएगा हो सकता है एक से ज्यादा आ जाए बट सिंगल करेक्ट है तो लग रहा है एक ही आएगा तो आपको बताना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा तो देखिए आर इंटू आर थ्री विल बी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू क्या होते हैं इनके फॉर्मूले आर होता है डेल्टा अपॉन एस आर वन थ्री होता है आपका डेल्टा अपॉन एस माइनस सी विल बी इक्वल टू आर वन होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए और आर टू होगा आपका डेल्टा अपॉन एस माइनस बी डेल्टा कट जाएगा ऊपर से डेल्टा क्या होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस सेमी पैरिमीटर ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल यहाँ से हमें मिला एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस सी दैट विल भी इक्वल टू वन और ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर सी बाई टू क्योंकि नीचे सी आ रहा है और साथ में एस आ रहा है तो ये ट्रम जहाँ पर आती है तो वो किस चीज़ का फॉर्मूला होता है टेन का तो यहाँ से आपको मिलेगा टेन स्क्वायर सी बाई टू ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो टेन स्क्वायर सी बाई टू विल भी इक्वल टू वन टेन स्क्वायर सी बाई टू वन है तो टेन सी बाई टू भी कितना होगा टेन सी बाई टू भी वन होगा तो सी बाई टू कितना होगा फोर्टी फाइव डिग्री तो एंगल सी कितना आएगा नाइन्टी डिग्री अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर टेन सी बाई टू माइनस वन भी तो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन वहां से जो एंगल सी आएगा वो ट्राइंगल का एंगल नहीं हो पाएगा ठीक है हमें का एंगल चाहिए तो एंगल सी 90 डिग्री होगा तो फिर से आपका ऑप्शन थर्ड क्या होगा करेक्ट होगा आज तो किसी ने अगर थर्ड ऑप्शन पे तुक्का मारा होगा ना तो उसके बहुत सारे नंबर्स सा आए होंगे चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस एक्सप्रेशन की क्या करनी है मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको न्यूनतम मान याद करना है देखिए कैसे करेंगे थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स माइनस टेन देखिए ये ट्रम आपके सामने सेम बन रही है दोनों में थ्री साइन एक्स माइनस टेन थ्री साइन एक्स माइनस टेन तो इसको ए ले और साथ में ये वाली जो ट्रम है इसको बी ले तो यहाँ नेगेटिव में और यहाँ पॉजिटिव में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस टेन को ए माना तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा सिक्सटीन कोस स्क्वायर एक्स इस एक्सप्रेशन की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो देखिए ये पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं यहां से आएगा नाइन साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर टेन है सो टेन इंटू थ्री थर्टी इंटू माइनस का साइन एक्स और आएगा प्लस हंड्रेड इसको लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो ये बनेगा माइनस सिक्सटीन और प्लस सिक्सटीन साइन स्क्वायर एक्स तो कितना आ गया हमारे सामने सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव साइन स्क्वायर एक्स माइनस सिक्सटी साइन एक्स प्लस हंड्रेड इस की मेरे को क्या करनी है मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं मिनिमम निकालने के लिए साइन एक्स को माइनस वन फुट कर देते हैं क्योंकि माइनस वन सबसे छोटा नंबर होता है साइन एक्स में लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ठीक है ना सही आंसर नहीं आएगा तुक्का नहीं मारना है ठीक है आगे चलना है आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो देखिए आप किस तरीके से निकाल सकते हैं आ, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के आगे एक तरीका तो ये है कि आप इसको साइन की वन टर्म बना करके साइनिक्स की जो रेंज होती है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं क्लियर है आ, वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है ठीक है उससे आप काफ़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दूसरा तरीका ये क्योंकि ये साइन के अंदर एक क्वाडेटिक है ठीक है और जब भी हमारे सामने कोई भी दूसरे वेरिएबल के अंदर भी अगर क्वाडेटिक बनती है तो उसका आंसर भी हम मिनिमम मैक्सिमा से निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि हम साइनेक्स को टी मान रहे हैं तो हमारी जो टी की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन से वन के बीच में होगी मीन्स हमारी डोमेन यही रहेगी हमें इस डोमेन के बाहर नहीं जाना है इसी के अंदर हमारा आंसर चेक करना है और इससे कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूं ठीक है आप एक में कन्वर्ट करके तो आप खुद कर सकते हो तो ये बनेगा आपका ट्वेंटी फाइव टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी टी प्लस हंड्रेड ठीक है नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव और हंड्रेड माइनस सिक्सटीन यहाँ पर एक वर्ड एक वर्डिंग हमने छोड़ दी है माइनस एट्टी फोर भी आएगा ठीक है तो देखो ध्यान से टी साइन एक्स और हंड्रेड माइनस सिक्सटीन हंड्रेड माइनस सिक्सटीन कितना होगा प्लस एट्टी फोर ठीक है ना तो ये रहेगा हमारा सो तो चलिए बात करते हैं इसको कैसे करेंगे तो इसको आप लोग एक काम करें नेक्स्ट स्लाइड पे ले लें ताकि पूरा क्वेश्चन भी रह जाए और आपको दिक्कत भी ना हो चलिए इसको मिटा देते हैं इतने पार्ट को चलिए ट्वेंटी फाइव टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी टी प्लस एटी फोर ठीक है तो इसको हम एक फंक्शन मान के इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डेस टी उससे क्या फायदा होगा उससे हमें पता चलेगा इसकी रेंज ये आएगा फिफ्टी टी और यहां से आएगा माइनस सिक्सटी तो ये कहा जीरो हो रहा है ये जीरो होगा आपका सिक्स बाई फाइव ठीक है इसके इधर तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इसके इधर डिक्रीजिंग होगा ठीक है ना पॉजिटिव किस साइन को दिखाता है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा और इसके इधर कैसा रहेगा डिक्रीजिंग रहेगा क्लियर है तो आपका जो ग्राफ बनेगा इसका ठीक है सिक्स बाई फाइव यहां पर है तो वन कहीं पर यहां पर होगा और माइनस वन आपका कहीं पर यहां पर होगा ऐसा ये ट्वेंटी और ये नंबर तो इधर ग्राफ होगा इस पॉइंट तक डिक्रीज होगा उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा ऐसा कुछ रहेगा लेकिन हमें अपनी जो डोमेन है वो क्या है वो माइनस वन से लेकर के वन के बीच में तो हमें सिर्फ यहीं पर चेक करना है और यहाँ पर जब आप चेक करेंगे माइनस वन से वन के बीच में तो आपका जो ग्राफ रहेगा वो सिर्फ इतना ग्राफ रहेगा ठीक है और इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है आपकी वन पे आ रही है ना कि माइनस वन पे अगर बाई चांस ये सिक्स बाई फाइव के आगे चला जाता ठीक है ना वन अगर जैसे सिक्स बाई फाइव ना आकर कोई और नंबर आता तो आपकी मिनिमम वैल्यू इस वाले नंबर पे आती ठीक है तो पूरा एनालिसिस करना है आपको अच्छे से अब तो आपको पता चल गया कि 1 पे है तो इसके अंदर 1 पुट कर दीजिए तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू है 25 60 84 इसको आई थिंक आप सिंपलीफाई कीजिए आपके सामने आएगा आंसर 49 ठीक है तो पीछे चलें वापस तो हमारा जो 49 जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा सही आंसर होगा ठीक है ना फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट क्लियर है बच्चों चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन था टेक्नोमेट्री से आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके सामने पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है ठीक है ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इससे आपको नेक्स्ट दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले तो टू साइन एक्स माइनस कॉश एक्स इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ठीक है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और जीरो से टू पाई में जितने भी सोल्यूशन आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग पहला क्वेश्चन है आपका सम ऑफ ऑफ सोल्यूशन इक्वेशन इसके जितने सोल्यूशन आ रहे हैं उन सबका आपको सम निकालना है तो चलिए बात करते हैं देखिए साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यह है टू एस माइनस सी इंटू वन प्लस सी और इसको आप उधर ले आइए साइन स्क्वायर एक्स को सो so, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सो वन माइनस सी इंटू वन प्लस सी सी का मतलब कॉस एक्स है यहाँ पर और एस का मतलब है साइन एक्स। बच्चों, चलिए बात करते हैं इसमें से वन प्लस सी कॉमन आ जाएगा आपका वन प्लस कॉस एक्स कॉमन आ गया तो पीछे कितना बचा टू एस माइनस सी और क्या बचा माइनस वन और प्लस सी बहुत अच्छा सी से सी कैंसिल आउट इतना अच्छा हो जाए काम फिर तो कहना ही क्या इस वाले फैक्टर में सिर्फ कॉश एक्स दूसरे में सिर्फ साइन एक्स तो यहां पर है वन प्लस एक्स, और यहां पर है हमारे सामने टू साइन एक्स माइनस वन टू साइन एक्स माइनस वन या तो ये जीरो होगा या वो जीरो होगा दोनों जीरो हो सकते हैं जिसकी इच्छा है वो जीरो हो जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं हम दोनों के आंसर को कंसीडर करेंगे ठीक है साइनेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वन बाई टू और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन देखिए एक्स की वैल्यू वन बाई टू जीरो से टू पाई में कितनी बार होगी दो बार एक पहले क्वाड्रेंट में और एक चौथे क्वाड्रेंट में सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों क्योंकि एक्स का अगर आप जीरो से टू पाई में यहां पर होता है तो वन बाई टू दो बार होगा एक यहां पर और एक यहां पर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में और वो जो दो एंगल है उनकी वैल्यू होती है आपकी पाई पाई सिक्स एक थर्टी डिग्री और दूसरा वन फिफ्टी डिग्री फाइव पाई पाई सिक्स ऐसे आपको देखना है एक्स की वैल्यू माइनस वन जीरो से टू पाई में सिर्फ एक ही बार होगी कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपका ऐसा जीरो से टू पाई में तो माइनस वन यहां पर होगा सिर्फ एक ही बार होगा ठीक है और ये कब होता है ये पाई पर तो इसका आंसर आएगा सिर्फ पाई आपको क्या करना है आपको इन तीनों का सम करना है ठीक है पाई पाई सिक्स फाइव पाई पाई सिक्स और पाई तीनों का सम करना है तो तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से भी पाई मिलेगा और यहाँ से भी पाई मिलेगा तो टोटल आंसर आएगा आपका टू पाई तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा सही ऑप्शन होगा चले आगे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन को रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है तो सीधे चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि वही इक्वेशन है जो पहले थी और अल्फा बीटा गामा आर दी सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन ठीक है ना अल्फा बीटा गामा अभी जो इक्वेशन आई थी उसके सॉल्यूशन है इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक वैल्यू आपकी अल्फा है एक वैल्यू आपकी बीटा है और तीसरी वैल्यू आपकी क्या है गामा है तो आपको निकालना है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा की वैल्यू तो अब हम इसको मिटा देते हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अल्फा बीटा गामा की जरूरत है उसको रखते हैं बाकी सबको जाने देते हैं चलिए बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा पता चल गया तो इसकी वैल्यू तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम टेन अल्फा कितना होगा टेन पाई पाई सिक्स टेन थर्टी डिग्री टेन पाइव पाइव पाई सिक्स वन फिफ्टी डिग्री और टेन पाई इन सब की वैल्यू पता होगी आप सबको टेन पाई पाई सिक्स होता है वन बाई रूट थ्री टेन फाइव फाइव बाई सूट थ्री और ये होगा जीरो तो भी इससे कट जाएगा और आपका टोटल आंसर भी कितना आ जाएगा जीरो देखिए आज तो जिसने थर्ड पे मारा है उसके बहुत नंबर आए हैं ठीक है इसका भी आंसर क्या आ रहा है थर्ड ऑप्शन और दैट इज जीरो क्लियर है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट अगेन एक पैसेज है हमारा और इस पैसेज के अंदर आपको इनको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को और क्वेश्चनों में देखिए आपको क्या दिया गया है कि ये समीकरण है इक्वेशन है तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है तो देखिए दोनों टर्म एक जैसी दिखाई दे रही है तो हम इसको टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक है और अगर इसको हम टी मानेंगे तो दूसरी टर्म कितनी बन जाएगी वन बाई टी तो टी प्लस वन बाई टी प्लस टू विल बीवल टू जीरो बात करते हैं इसको सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है तो यहां से आ रहा है टी स्क् प्लस टू टी प्लस वन इक्वल टू जीरो तो सोल्व करेंगे तो ये बन गया टी प्लस वन का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है जब उसके अंदर का नंबर जीरो हो मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाए माइनस वन हो जाए टी हमने किसको माना था टेन एक्स बाई टेन टू एक्स को आप दूसरे वाले को भी मान सकते थे तो भी सेम आंसर आता ठीक है कोई बात नहीं टेन एक्स इक्वल टू टेन टू एक्स टेन एक्स यहां पर रखा इक्वल टू टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया माइनस टू टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स देखिए टेन एक्स की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि टेन एक्स नीचे आ रहा है तो टेन एक्स को आप कॉमन लेकर के काट सकते हो ठीक है वैसे हम जनरली नहीं काटते हैं कॉमन लेते हैं लेकिन क्योंकि अभी हमें पता है कि यहां पर ये टर्म जीरो नहीं हो सकती तो जीरो नहीं हो सकती तो फिर काट दीजिए फिर रख के भी क्या फायदा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स विल भी इक्वल टू माइनस टू तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है थ्री और टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू थ्री कौन से क्वाड्रेंट में होगी सारे क्वाड्रेंट में होगी पहले में भी होगी दूसरे में भी होगी तीसरे में भी होगी और चौथे में भी भी होगी ठीक है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस रूट थ्री होती कब है पाई पाई थ्री पे तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी थ्री एन प्लस माइनस वन इंटू पाई पाई थ्री ऐसा तो जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है ठीक है ना जब चारों क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन होता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आपको यही फॉर्मूला लगाना है और एंगल कौन सा आएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का टेन एक्स की वैल्यू टेन एक्स की वैल्यू रूट थ्री कब होगी उसके बारे में आपको डिस्कस करना है क्लियर है सो टेन एक्स की वैल्यू रूट थ्री कब होगी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और फर्स्ट क्वार कितना होता है पाई पाई थ्री वैल्यू होती है हमारी क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट इसी पैसेज का क्वेश्चन है इसके अंदर करना है आपको द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द इंटरवल जीरो से टू पाई तो जीरो से टू पाई में इसके जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे ठीक है ना उन सबको आपको क्या करना है सम करना है तो देखते हैं जीरो से टू पाई में कितने सोल्यूशन आते हैं देखें टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी थी रूट थ्री तो टेन एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट थ्री टेन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री तो जैसे हमने देखा था जीरो से टू पाई में चारों क्वाड्रेंट में हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन होगा आपका पाई अपॉन थ्री सेकेंड क्वारेंट में इसका सॉल्यूशन होगा पाई माइनस पाई पाई थ्री ऐसे लिखते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन होगा उसको लिखेंगे पाई प्लस पाई पाई थ्री और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन होगा इसको लिखेंगे टू पाई माइनस पाई पाई थ्री तो ये इसके चार सॉल्यूशंस होंगे तो कितना आ रहा है सम देखिए इससे, इससे ये कट जाएगा तो जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था वो कट गया और जो अब अच्छा लग रहा है उसमें है पाई प्लस पाई प्लस टू पाई दैट विल बी इक्वल टू फोर पाई और फिर से हमारा कौन सा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन क्लियर है तो ये हमारे ज वाले जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं क्लियर है बच्चों सो so, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारा देखिए टिक्नोमेट्री से रिलेटेड और यह है आपको एक टिक्नोमेट्री इक्वेशन दी गई है और आपको बताना है कि जीरो से पाई के अंदर इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो देखिए जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं टेग्नोमेट्री के तो हमारा पहला मोटिव क्या होता है कि जो भी जितनी भी टर्म्स होती है उनको एक टर्म में कन्वर्ट कर ले तो यहां पर देखिए साइन है यहां पर कॉस है तो इस कॉस वाली टर्म को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा सो कॉस स्क्वायर फाइव एक्स को लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा माइनस वन ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बाकी जो टर्म्स है हमारे सामने एज इट इज रहेगी क्योंकि साइन में चाहिए हमें सारा साइन फोर एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स विलवल टू जीरो और जीरो से पाई के अंदर हमें देखने हैं कि इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे सो so, अभी हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं एक बार ताकि थोड़ा सा हमारे को स्पेस मिल जाए करने के लिए फिर वापस आते हैं फर्स्ट पहले पेज पे तो देखिए यहाँ से हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखिए वन से वन तो कट गया अब देखिए जब भी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आते आता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है आपको आइडेंटिटी वैसे ही लगानी है जैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगाते हो बस साथ में साइन लगा देना है तो एक्चुअली आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है ए मींस जो पॉजिटिव वो पहले और जो नेगेटिव है वो बाद में तो साइन के अंदर आएगा ए ए मीन्स एक्स प्लस फाइव एक्स एंगल काम करेंगे ए और बी का और फिर इंटू साइन ए माइनस बी एक्स माइनस फाइव एक्स और ये एजिटिज है, तो है हमारे सामने इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता उसको बाहर निकाल लिया तो ये बना साइन सिक्स एक्स और ये बना साइन फोर एक्स और यहां पर भी हमारे सामने यही है आगे वाली टर्म भी साइन फोर एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स तो इससे ये तो कट गया और इक्वल टू में कितना था जीरो तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से एक साथ कट जाएगी तो जीरो, जीरो आ गया और जीरो इक्वल टू जीरो जब भी आ जाए मैथ्स के अंदर तो उसके उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसके डोमेन में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स हो जाएंगे तो यहां पर इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है तो एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर इसका सोल्यूशन है अब हमसे ये पूछा है कि जीरो से पाई के अंदर इसके कौन कितने सोल्यूशन होंगे तो जीरो से पाई के अंदर ऑल रियल नंबर होते हैं कितने इनफाइनाइट अब इनफाइनाइट जब आंसर आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसको आप पांच सोल्यूशन भी लिख सकते हो इसको तीन सोल्यूशन भी लिख सकते हो इसको दो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं क्यों क्योंकि आपसे ये पूछा है कितने मान हो सकते हैं तो दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं तो इस तरीके से इसका आपके चारों ऑप्शन क्या है सही आंसर है सो so, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है कि लेट एन बी दी नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन जीरो टू फोर पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस देन एन इज डिविजिबल बाय तो एन कौन से नंबर से डिविजिबल है ये आपको बताना है तो so, देखते हैं कि इसके जीरो से फोर पाई में कितने सॉल्यूशन आते हैं उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा हमारा वो सॉल्व हो जाएगा तो so, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर टेन एक्स है तो टेन एक्स को लिखें आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और देखे कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे एलसीएम लेते हैं तो इसको जैसे साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे तो देखिए कॉश एक्स से कॉस एक्स काट जाएगा अब जनरली हम ऐसे काटते नहीं कॉमन लेते हैं लेकिन देखिए कॉस एक्स कभी जीरो हो नहीं पाएगा क्योंकि कॉश एक्स कब जीरो होता है जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई टर्म जीरो नहीं है तो फिर आप उसको काट सकते हो जीरो क्यों नहीं होगा क्योंकि कॉश एक्स जीरो होता है पाइप आई टू के ऑड मल्टीपल पे और पाइप बाई टू के ऑड मल्टीपल पर टेन एक्स कैसा हो जाता है अनडिफाइंड इसलिए आप कॉस एक्स को कॉस एक्स से काट सकते हो तो बट जनरली हम नहीं काटते जनरली क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो चलिए यहां पर कट जाएगा तो ये ट्रम इधर मल्टीप्लाई होगी यहां से कॉस एक्स कट जाएगा क्योंकि 10x को लिखा तो अब हमारे सामने इधर आएगा देखिए क्या साइन एक्स इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू टू टाइम One plus cos x into one minus cos x क्या हो जाएगा? One minus cos square x और that is square x. तो ये हमारे सामने आ जाएगी. फिर से देखिए तो पूरे में से साइन एक्स कॉमन आ रहा है सो साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए सो साइन एक्स को कॉमन लिया तो यहां से मिलेगा हमें टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन और इधर से ये इधर आ जाएगा तो ये इसमें से बचेगा माइनस का टू साइन एक्स क्योंकि एक साइनेक्स को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया है दैट विल बी इक्वल टू जीरो अगेन फिर से देखिए साइनेक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि साइनेक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है डिनोमिनेटर वाली ट्रम कभी जीरो नहीं होती है तो ये वाली ट्रम को भी आप क्या कर सकते हो हटा सकते हो इसको सोल्व करें तो इसके अंदर देखिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी बची है हमारे सामने सो so, यहाँ पर है टू साइन एक्स टू साइनस स्क्वायर एक्स यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस वन माइनस टू साइन एक्स साइनेक्स को अगर टी माने तो यह है टू टी स्क्वायर यहां पर माइनस थ्री टी एंड प्लस वन विल बी इक्वल टू जीरो तो यहां से आपके सामने आएगा टू टी माइनस कितना आएगा टू टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन तो हमारे को टी की दो वैल्यूज मिल रही है एक वन और दूसरी वन बाई टू ठीक है मीन साइनेक्स की दो वैल्यूज आ रही है एक वन और दूसरी वन बाई टू अगेन साइनेक्स की वैल्यू देखिए वन कभी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि साइनेक्स की वैल्यू जब वन आएगी ठीक है उस केस में कॉश एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और कॉश एक्स जीरो हो नहीं सकता ये हमने पहले ही देख लिया था क्यों और यह दूसरा एक है कि यहाँ से एक्स पाइपाई टू का ऑर्ड मल्टीपल होगा जो पॉसिबल नहीं क्योंकि टेन एक्स की टर्म प्रजेंट है वो पाइप आई टू के ऑड मल्टीपल पर अनडिफाइंड होती है साइनेक्स की वैल्यू वन बाई टू होगी आपकी और जीरो से फोर पाई में कितनी बार होगी चार बार होगी क्योंकि जीरो से फोर पाइव में इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा तो जो वन बाई टू वाली जो लाइन है वो कितनी बार कट करेगी एक दो तीन और चार टोटल चार पॉइंट्स पर कट करेगी तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एन बी दी नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज तो इसके अंदर टोटल डिफरेंट वैल्यूज कितनी आएगी चार आएगी तो वो किस नंबर से डिविजिबल है तो वो आपका वन से भी डिविजिबल होगा टू से भी डिविजिबल होगा और थ्री से भी डि फोर से भी डिविजिबल होगा मीन्स पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है क्लियर है चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फोर सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा सो so, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हमारे सामने एक इक्वेशन है टू वन और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्लियर है सो so, चलिए बात करते हैं आ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है काफी बार आता है आपके सामने साइनेक्स प्लस कॉश एक्स डिवाइड बाई रूट टू दोनों साइड क्या करेंगे इसको रूट टू से डिवाइड करेंगे तो रूट टू से डिवाइड करने के बाद में इक्वल टू में भी आ जाएगा वन बाई रूट टू तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन सकता है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है या ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है देखिए साइन ए प्लस बी में जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस फाइव पाई फोर इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वन बाई रूट टू और दूसरा ये कॉस में बन सकता है तो कॉस्ट में बनाओगे तो बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है आपके क्या है आंसर्स तो साइन के अंदर तो आएगा एक्स प्लस पाई पाई फोर और कॉस के अंदर आएगा आपका एक्स माइनस पाइव फोर और इक्वल टू में आएगा वन बाई रूट टू अब ये दोनों ऑप्शन सही है तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे क्यों क्योंकि यहां पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर माइनस साइन आएगा बीच में जबकि हमें क्वेश्चन में प्लस साइन दिया गया है क्लियर है तो इसके जो करेक्ट आंसर है आपके सामने पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आई होप सभी बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल सॉल्यूशंस मींस इनमें से कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज है ए की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो देखिए कॉस और साइन में है इक्वेशन तो एक में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस टू तो एक्स को लिखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स इक्वल टू टू ए माइनस सेवन स को टी लेते हैं और सबको राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा टू टी जाएगा माइनस का ए टी वन इधर आकर के बन जाएगा टू ए माइनस एट विल भी इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें यहां से टी की वैल्यू मिलेगी फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा तो सॉल्व करेंगे तो देखिए टी की क्या वैल्यू आ रही है ए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वाइनस फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्स ए फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्स फोर डिवाइड बाई फोर ठीक है ये आ रही है टी की वैल्यू टी किसको लिया था हमने x को इसको सॉल्व करते हैं देखिए टी की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है ये बनेगा ए माइनस एट का होल स्क्वायर तो देखिए दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी एक तो आएगी ए प्लस ए माइनस एट बाई फोर और एक बनेगा आपके सामने ए माइनस ए प्लस एट डिवाइड बाई फोर तो देखिए ये पॉसिबल वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है टू आ रही है और साइन एक्स की वैल्यू टू कभी हो नहीं सकती तो साइनेक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो आएगी आपके सामने ए माइनस फोर डिवाइड बाई टू और साइनेक्स की वैल्यू ए माइनस फोर डिवाइड बाई टू है तो हमें यह भी पता है कि साइनेक्स हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होता है इसका मतलब ये हो गया हमने टी लिया है तो टी आपका माइनस वन से वन के बीच में होगा टी की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस टू से ग्रेटर होगा ए माइनस फोर और टू से छोटा होगा तो यहाँ से ए की जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी आपके सामने वो टू से लेकर के सिक्स के बीच में आ सकती है तो जो जो वैल्यूज आपकी टू से सिक्स के बीच में है वो सारी एक ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है टू और सिक्स के इक्वल भी है तो इसकी तरीके से इसके चारों ऑप्शन आपके क्या है सही है ठीक है ना टू थ्री फाइव और सिक्स इसमें से अगर कोई सा भी अगर आप नंबर लोगे तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूर आएगा और ये चारों आपके सही आंसर से चलिए आगे बात करते हैं और आगे है आपके सामने एक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा इसको भी ऐसे ही करना है जैसे अभी किया है ठीक है ना सबसे पहले एक बिल्कुल तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था वैसे ही इक्वल टू थ्री टाइम टू डिवाइड टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है डिवाइड में बाद में ले आएंगे या ऊपर ही रहने में कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए टू पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं टू टू दी पावर माइनस एक्स को क्या मान लिया टी मान लिया तो देखिए क्या आएगा ये तो बनेगा आपके पास में डिवाइड की पावर की पावर माइनस साइन स्क्स का होल स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में टू भी है तो ये बनेगा टू की पावर टी तो यहां पर माइनस टू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई टी अच्छा इसके अंदर एक प्लस वन भी है यहां पर तो एक यह पर साथ में प्लस वन भी आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो करते हैं देखो यहां से आएगा टी स्क्स टू इक्वल टू तो आपको मिलेगा स्क्वायर जीरो तो टी की क्या क्या वैल्यूज आ रही है इसको फैक्टराइज करोगे तो टी की दो वैल्यूज मिलेगी आपको एक तो टी इक्वल टू वन और दूसरा मिलेगा टी इक्वल टू टू तो देखिए टी किसको लिया था हमने इसको तो इसके इक्वल टू में वन है तो वन कब आएगा जब साइन स्क्स क्या होगा जीरो होगा तो एक कंडीशन तो बनेगी आपके पास में साइन स्क्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए जाए और दूसरा इसकी वैल्यू आपके सामने अच्छा हमने माइनस नहीं प्लस को टी लिया क्योंकि हमने डिनोमीटर में लिखा है ना वन बाई टी स्क्वायर ठीक है हमने क्या लिया है प्लस टू की पावर साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया है तो इसकी वैल्यू टू कब होगी जब साइन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी वन हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए वन हो जाए तो देखिए क्या क्या सोल्यूशन आएंगे इससे सोल्यूशन मिलेगा आपको एन पाई इससे साइन एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन दोनों आएगी तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं आपके सामने टू एन प्लस वन पाई पाई टू और टू एन माइनस वन इंटू ठीक है और ऐसे हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन भी है

इससे पाइप आई टू फाइव पाइपन पाइप आएगा इससे थ्री पाइप और भी जो भी नेगेटिव वाली वैल्यूज आएगी तो ये जो चौथा ऑप्शन है ना ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो ये भी आपका आंसर होगा ठीक है ना कई बार मल्टीपल करेक्ट में आपको जो आंसर एग्जैक्ट नहीं आपके मैच खा रहा इस तरीके से वो भी आंसर हो सकता है उसको भी आपको चेक करना है सो so अगेन इस क्वेश्चन के भी आपके चारों ऑप्शन क्या है सही आंसर से चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सिक्स हमारा और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका हमेशा पॉजिटिव है धनात्मक हमेशा कौन सा होगा तो देखिए लॉग आपके पास में हमेशा पॉजिटिव कब होता है जब आपके सामने ये दोनों क्वांटिटीज लॉग ए टू दी बेस बी ये धनात्मक कब होता है जब ये दोनों क्वांटिटीज सेम इंटरवल में लाई कर रही हो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो दोनों क्वांटिटीज आपके सामने कैसी हो जीरो से वन के बीच में हो और यह आपके सामने दोनों क्वांटिटीज कैसी हो वन से बड़ी हो इस केस में भी धनात्मक आ जाएगा और इस केस में भी धनात्मक आ जाएगा तो अब आपको यह देखना है कि किस कौन से कौन से ऑप्शन के अंदर दोनों क्वांटिटीज या तो जीरो से वन के बीच में होनी चाहिए और या फिर वन से वन के बीच में होनी चाहिए तो चलिए बात करते हैं देखिए टेन वन का मतलब होता है फिफ्टी डिग्री और टेन फोर्टी डिग्री की वैल्यू वन होती है तो ये तो है आपका ग्रेटर देन वन और साइन की वैल्यू तो हमेशा ही वन से छोटी होती है पाई पाई टू के अलावा तो ये क्वांटिटी है आपके सामने लेस देन वन तो ये तो उल्टा हो गया एक वन से बड़ा है और दूसरा वन से छोटा है तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया ऐसे ही आपको बाकी सारे ऑप्शन को चेक करने हैं ठीक है इसमें बात करेंगे तो क्योंकि वन प्लस टेन थ्री आ रहा है यहाँ पर लेकिन देखिए ऐसा भी हो सकता है कि टेन थ्री की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो बिल्कुल सही बात है तो देखिए कॉस वन आपके सामने कैसा होगा कॉस वन अगेन 57 डिग्री बट लेस देन वन होगा बट ये क्वांटिटी भी लेस देन वन होगी क्यों क्योंकि टेन थ्री होगा आपका जस्ट वन डिग्री से थोड़ा सा छोटा मतलब 180 डिग्री से वन सिक्सटी सेवन एट्टी के बीच में होगा कुछ 57 सेवन इंटू करोगे तो तो वहां पर टेन नेगेटिव होता है तो ये क्वांटिटी वन में से सब्ट्रैक्ट होगी कहाँ से सब्टैक्ट होगी वन में से सबट्रैक्ट होगी और वन में से सब्टैक्ट जब होगी तो ये क्वांटिटी क्या आएगी आपकी लेस देन वन आएगी और लेस देन वन आ रही है दैट आपके पास में में ये दोनों क्वांटिटीज इस इंटरवल कर रही है तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा आगे बात करते हैं कोर्ट पाई पाई एट की जो वैल्यू है 45 डिग्री से कम वैल्यूज पर कोर्ट कैसा होता है वन से बड़ा होता है ये क्वेश्चन के बारे में हमने पीछे बात की थी और ये लेस देन वन है दोनों ऑपोजिट है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा आगे बात करते हैं टेन फिफ्टीन की वैल्यू लेस देन वन होगी फोर्टी फाइव डिग्री से कम वैल्यूज पर टेन कैसा होता है वन से छोटा होता है साइन एटीन डिग्री की वैल्यू वन बाई टू से कम होगी क्यों क्योंकि थर्टी पर वन बाई टू होती है तो ये क्वांटिटी वन बाई टू से छोटी होगी और वन बाई टू से छोटी होगी तो इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये लेस देन वन रहेगी ठीक है तो ये दोनों क्वांटिटीज वन से छोटी है तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर बस लोक का जो बेसिक अप्रोच है आपको वो अप्लाई करना था कि कब कौन सी चीज बड़ी होती कब पॉजिटिव होती है या तो दोनों जीरो सेवन के बीच में हो या दोनों आपकी से बड़ी हो क्लियर है चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स आगे बात करते हैं मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन और दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे ठीक है ना कौन से इंटरवल में लाई कर रहे हैं इसके सॉल्यूशंस इसके बारे में हमें बात करनी है तो चलिए देखते हैं साइन की पावर सिक्स प्लस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर तो इसको हमने कन्वर्ट किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो देखिए ये तो वन बन जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाई फोर इसको लिखा टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर टू से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन स्क्वायर था इसलिए फोर से और फोर से डिवाइड कर दिया और ये क्वांटिटी भी हो जाएगी वन तो आपको मिलेगा यहाँ से वन माइनस थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर टू एक्स साइन स्क्वायर टू एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है माइनस थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कहां से कहाँ आ जाएगा जो जीरो से वन था वो माइनस थ्री बाई फोर से जीरो आ जाएगा तो आप वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप चल सकते हो वैसे कि साइन स्क्वायर टू एक्स जो है हमारा वो जीरो से लेकर के वन के बीच में होता है ठीक है इसको माइनस थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस का थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर टू एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर इसके बाद इसमें वन ऐड करना है तो ये वन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा वन माइनस थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर टू एक्स और इधर वन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा वन बाई फोर तो ये आ जाएगा आपके सामने किसके इक्वल ए स्क्वायर के इक्वल तो ए स्क्वायर की आपकी वैल्यू लाई कर रही है वन बाई फोर से तो बड़ी है और वन से कैसी है छोटी है तो जब मोड लोगे तो आपको ये मिलेगा अच्छा इसके अंदर हमें वन ही ऐड करना था हाँ बिल्कुल वन ही एड करना था तो इसको जब आप मॉड लेंगे तो आपको ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ मिलेगी माइनस वन बाई टू से वन और एक तो माइनस वन से माइनस वन बाई टू और दूसरा यूनियन वन बाई टू से लेकर के वन के बीच में तो ऐसे जो जो ऑप्शन है जिस जिसमें भी ए आपका इसके बीच में आ रहा है वो सारे ऑप्शन सही होंगे तो देखिए माइनस वन से माइनस वन बाई टू ये तो सीधा सीधा मैच खा रहा है थ्री बाई फोर से लेके वन इस इंटरवल के इसी इंटरवल का पार्ट है तो ये भी आंसर आएगा और माइनस वन से माइनस थ्री बाई फोर भी इसी इंटरवल का पार्ट है तो ये भी आपका आंसर आएगा लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा फोर्थ वन क्यों क्योंकि फोर्थ के अंदर आ रहा है माइनस वन बाई टू से वन बाई टू जो कि इस इंटरवल में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से इसका आपका पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन क्या है सही आंसर से क्लियर है तो इसी के साथ हमारे मल्टीपल चॉइस भी कंप्लीट हो गए हैं आगे बात करते हैं हम हमारे इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन किस टाइप का कैसा रहेगा चलिए देखते हैं तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल जीरो टू टू पाई मस्ट बी ठीक है ना कितने सॉल्यूशन होंगे आपके जीरो से टू पाई में इस इक्वेशन के सो so, चलिए बात करते हैं देखिए इस वाली ट्रम में से और इस वाली ट्रम में से साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहा है कॉमन तो इसमें से भी आ रहा है बट उसमें से लेंगे नहीं और चाहो तो ले सकते हो बट फायदा नहीं है क्योंकि इसको लोगे तो कुछ अच्छा मिलेगा आपको साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू वन तो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी इक्वेशन दिख रही है इसको टी मान लिया सो टी प्लस टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन तो यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन विल भी इक्वल टू जीरो तो t की क्या क्या वैल्यूज आ रही है देखिए t की वैल्यूज आ रही है आपकी माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस फोर दैट इज रूट फाइव डिवाइड बाई टू टी को साइन एक्स कॉस एक्सपुट किया और टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा साइन टू एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी एक तो मिलेगी रूट फाइव माइनस वन और दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस रूट फाइव माइनस वन और साइन एक्स की दोनों ही वैल्यूज नहीं हो सकती ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि ये वन से बड़ी है और वो माइनस वन से छोटी है तो इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जीरो से टू पाई में तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे वो आपके सामने कितने आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन आपका जीरो से टू पाई में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्यों क्योंकि साइनेक्स हमारे जब इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन बन रही है जो मैथामेटिकली पॉसिबल नहीं है साइनेक्स की वैल्यू ना तो वन से ज्यादा हो सकती है और ना ही माइनस वन से कम हो सकती है अच्छा ऐसे कैसे पता चल रहा है रूट में कि वन से बढ़ी है क्योंकि रूट फाइव होता है टू पॉइंट समथिंग और उसमें से वन सब करोगे तो वन पॉइंट समथिंग रहेगा ऐसे ही आप दूसरे वाले पार्ट को चेक कर सकते हो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन में क्या है देखिए सम ऑफ ऑफ रूट्स इक्वेशन दिस दिस ओवर इंटरवल इज लेमडा का टेंथ प्लेस क्या होगा देखिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को देखिए सिक्स है सेवन है ठीक है तो और इधर कॉस टू एक्स है तो एक कॉस टू एक्स को इधर लाओ तो ये तो बनेगा कॉस फोर एक्स और इधर से आएगा माइनस कॉस टू एक्स इसको भी इधर ले आए सिक्स को भी सिक्स कॉमन वन माइनस क्यों लिखा क्योंकि देखिए जब तक ये नंबर्स से से क्वेश्चन नहीं हटते ना तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट रहता है ठीक है तो पहला काम हमें उनको वहां से हटाना होता है इसलिए हमने क्या किया एक को इधर ले लिया इसके साथ में और इधर छे को रखा ताकि दोनों काम इजी हो जाएगा इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा इधर भी लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस के अंदर ध्यान रखिए कॉस कभी भी भेदभाव नहीं करता है ठीक है या तो खुद रहता है या पूरा का पूरा साइन को दे देता है तो जब पॉजिटिव होता है तो खुद अपने पास रहता है और नेगेटिव होता है तो पूरा साइन को दे देता है और साइन के अंदर हम जब बात करेंगे तो साइन के अंदर फॉर्मूला लगेगा इसका टू साइन सी प्लस डी बाई टू फोर एक्स प्लस टू एक्स बाई टू दैट इज थ्री एक्स इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू ठीक है ध्यान रखिए साइन के अंदर डी माइनस सी आएगा तो टू एक्स माइनस फोर एक्स दैट इज माइनस टू एक्स सो माइनस एक्स आ जाएगा यहां पर क्लियर है एंड प्लस यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 12 X. क्योंकि यह फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स का देखिए एक साइन एक्स यहाँ से कॉमन आएगा और एक साइन थ्री एक्स का जो फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें से कॉमन आ जाएगा एक टू कॉमन आ जाएगा तो टू साइन स्क्वायर एक्स तो हमारे सामने कॉमन आ जाएगा अब पीछे कितना बचा साइन थ्री एक्स में से बचेगा थ्री साइन एक्स होता है तो साइन एक्स को तो हमने कॉमन ले लिया सो थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स और सात के अंदर यहां पर एक माइनस साइन आपके सामने है इसके मल्टीप्लीकेशन में तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और यहां से आएगा प्लस का ट्वेल्व ट्वेल्व नहीं सिक्स क्यों क्योंकि हमने टू को भी बाहर कॉमन निकाल लिया था लेकिन फिर भी देखिए ये जो फैक्टर है आपके सामने ये एक पॉजिटिव फैक्टर बन रहा है जो कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री टू जीरो पॉजिटिव होता है तो ये फैक्टर तो कभी भी जीरो नहीं होगा और ये जीरो नहीं होगा तो सिर्फ पहले वाला जीरो होगा और साइन स्क्वायर एक्स आपका जीरो कब होता है एक्स के ऑड मल्टीपल पे दैट इज एन पाई तक ठीक है। अब आपको क्या बताना है इसके अंदर दिस इन दी इंटरवल जीरो टू थ्री वन फोर देखिए जीरो से थ्री वन फोर क्या होता है इसको बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और इसको लिख देते हैं जीरो से इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके हंड्रेड पाई तो ये गलत है ठीक है आपका ऑब्जर्वेशन सही जा रहा है बट थोड़ी सी आप गलती कर रहे हो क्योंकि देखिए थ्री वन फोर एक इंटीजर है और थ्री जो आपके सामने पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है तो जो थ्री वन फोर होगा वो हंड्रेड पाई से छोटा नंबर होगा ठीक है ना दैट विल बी हंड्रेड जो होगा दैट विल बी लेस देन आपके सामने सॉरी हंड्रेड पाई जो होगा ठीक है ये जो होगा वो किससे बड़ा होगा थ्री वन फोर से बड़ा होगा ठीक है ये इरेशनल नंबर होता है थ्री पॉइंट वन फोर नहीं होता आगे भी चलता रहता है ठीक है एक्चुअली तो आपके सामने ये आपके हंड्रेड पाई तक नहीं जाएगा आपके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे वो जीरो से लेकर के नाइनटी नाइन पाई तक ही आएंगे क्योंकि हंड्रेड पाई तो आपका इंटरवल में ही नहीं है ठीक है और इसके करस्पॉन्डिंग जब आप इसके अंदर आ, सारे सोल्यूशंस की बात करेंगे तो पाई तो वहां पर है ही तो बाकी जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू नाइनटी नाइन इसको सोल्व कीजिए तो नाइनटी नाइन इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा देखिए फोर नाइन फाइव जीरो इतने सॉल्यूशंस आएंगे आपके टोटल इन टू पाई ठीक है ना एक पाई भी रहेगा लेकिन लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर नाइन फाइव जीरो आपसे क्या पूछा है कि लेमडा का टेंथ प्लेस क्या होगा तो टेंथ प्लेस किसे कहते हैं राइट हैंड साइड से दूसरा नंबर तो वो कितना है आपका फाइव राइट हैंड साइड से जो दूसरा नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है फाइव आ रहा है तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा वो फाइव हो जाएगा क्लियर है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए हमें क्या दिया गया है क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर में एक इक्वेशन है दी नंबर ऑफ ऑफ सॉल्यूशन दिस इक्वेशन देखिए बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि चार ट्रम है आपके सामने और चारों का सम फोर दे रखा है तो ये फोर तो तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली हर ट्रम क्या हो जाए आपकी वन हो जाए तो साइन एक्स की वैल्यू वन हो जाए साइन टू एक्स वन हो जाए साइन थ्री एक्स वन हो जाए और साइन फोर एक्स वन हो जाए क्यों क्योंकि सब के अंदर एंगल्स आपके सामने क्या होंगे एट ए टाइम सब अलग अलग होंगे ठीक है ना इनमें से कोई सी भी क्वांटिटी वन से ज्यादा नहीं हो सकती और कोई सी भी क्वांटिटी अगर वन से ज्यादा नहीं हो सकती दैट मीन्स कोई सी भी क्वांटिटी वन से कम वन से कम तो हो सकती है लेकिन अगर कोई एक भी क्वांटिटी अगर वन से कम होगी तो कभी भी सम फोर नहीं आएगा और इन चारों का सम वन कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन एक्स अगर वन आ रहा है तो सीधी सी बात है कि साइन टू एक्स वन कैसे आ सकता है क्यों क्योंकि साइन एक्स पर वन होता है और यहां पर जैसे ही नाइनटी का डबल करोगे तो वन एट्टी वन एट्टी पर साइन टू एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसलिए इसका भी जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे जीरो से टेन पाई के अंदर वो कितने होंगे आपके जीरो ठीक है तो ये भी आपका बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था सो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं ठीक है क्योंकि ये बाहर एबीसी है और उधर उसका एल्शियम लेंगे तो एबीसी कट जाएगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ए टाइम ए प्लस बी बाई सी एंड इसमें एल्शियम लेंगे तो ये बनेगा बी सी प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ए सी एंड माइनस ए बी ध्यान रखिए यहाँ पर एक माइनस साइन है और वो किसमें ए और बी के प्रोडक्ट में और डिवाइड बाई है आपके सामने ए बी सी और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था एट के साथ में ए बी सी तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो अब हमें दो फैक्टर एक्चुअली सॉल्व करने हैं ए प्लस बी बाई सी और ये तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है तो देखिए ए कितना है हमारे सामने हम क्या सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी डिवाइड बाई सी ए so, की वैल्यू है साइन टेन प्लस साइन फिफ्टी डिवाइड बाय सी सी है आपके सामने sin 70. तो देखिए यहां पर साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है तो साइन देखिए क्या होता है अपने साथ में कॉस को भी लेके आता है ठीक है लेकिन कॉस या तो अकेला रहता है या सिर्फ साइन को भेज देता है तो साइन दोनों आएंगे प्लस है तो पहले खुद आएगा साइन सो टू टाइम साइन टेन प्लस फिफ्टी दैट इज सिक्सटी बाई टू दैट इज थर्टी इंटू कॉस टेन माइनस फिफ्टी फोर्टी बाई टू दैट इज कॉस ट्वेंटी और देखिए साइन सेवेंटी को भी आप लिख सकते हो कॉस ट्वेंटी क्यों क्योंकि ये हो जाएगा आपका 90 माइनस ट्वेंटी और साइन नाइन्टी माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू सो ये हो जाएगा टू इंटू वन बाई टू तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा वन तो ये ट्रम आपके सामने इसके साथ में मिलकर के कितनी हो गई एट इंटू वन दैट मीनस ये पार्ट आपका सिंप्लीफाई हो गया ये पूरा पार्ट सिंप्लीफाई हो गया और डीमीटर आपका पूरा हट गया अब जो भी आंसर आएगा आपका एट टाइम ये जो भी है वो होगा मीन इसका जो आंसर आएगा उसको आपको एट से मल्टीप्लाई करना है याद रखिएगा किससे एट से मल्टीप्लाई करना है बाकी पूरी चीज आपकी सिंप्लीफाई हो चुकी है तो अब देखिए हमें क्या सॉल्व करना है हमें निकालना है बीसी प्लस ए सी माइनस ए बी बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी तो क्योंकि देखिए एक टर्म नेगेटिव में है, तो हर चीज को ध्यान से हम पहले यहां पर लिख लेते हैं फिर इसको आराम से सॉल्व करेंगे अगले पेज पे देखिए बी कितना है हमारे सामने साइन पचास डिग्री साइन फिफ्टी सी कितना है हमारे सामने साइन सेवेंटी डिग्री ठीक है उसके बाद में ए इंटू सी ए कितना है साइन टेन डिग्री इसको मिटा देते हैं ठीक है ना साइन टेन डिग्री और सी कितना है सी है हमारे सामने साइन 70 डिग्री हर एंगल को ध्यान से लिखना ताकि अच्छे से दिख जाए फिर माइनस ए बी इसका ध्यान रखिएगा माइनस ए इंटू बी साइन टेन इंटू साइन सेवनटी ए इंटू बी साइन टेन इंटू साइन फिफ्टी ये टर्म्स है जिसे हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है चलिए कर लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं साइन फिफ्टी इंटू साइन सेवेंटी तो देखिए इन सब सबको सोल्व करने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू से डिवाइड कर लेते हैं तो जिस टू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर के फॉर्मुले बन जाएंगे अब देखिए सिर्फ साइन आ रहा है तो ऐसा काम तो कौन कर सकता है कॉस ही कर सकता है और कॉस भी क्या करेगा क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो खुद रहता है और नेगेटिव आता है तो साइन को दे देता है तो यहाँ पर सारी कॉस की टर्म आएगी और उसमें भी क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा और ध्यान रखें जो बड़े वाला एंगल होगा वो नेगेटिव में रहेगा तो इसका डिफरेंस जब करोगे तो आएगा कॉस 50 माइनस सेवनटी दैट इज 20 50 माइनस सेवनटी कितना होगा कॉस 20 एंड माइनस जो बड़ा जो एंगल होगा यहां पर वो कितना हो जाएगा कॉस 120 बड़ा एंगल किस में रहेगा नेगेटिव में रहेगा ऐसे यहां पर 10 प्लस सेवनटी तो डिफरेंस कितना आएगा 60 तो 60 तो पॉजिटिव में रहेगा और 80 वाला किस में चला जाएगा नेगेटिव में एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है यहां पर भी बड़ा एंगल आपके पास में नेगेटिव में रहेगा लेकिन बाहर माइनस साइन है तो इसमें उल्टा हो जाएगा इसमें क्या रहेगा इसमें आपके सामने जो छोटा एंगल होगा ठीक है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा और जो बड़ा एंगल है वो पॉजिटिव में आ जाएगा मिन साइन सिक्स कॉस सिक्सटी पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का कॉस फोर्टी जो है वो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव इसमें उल्टा क्यों हुआ क्योंकि बाहर माइनस साइन था उसकी वजह से अब देखिए ये आपका माइनस वन बाई टू होता है तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस वन बाई टू कॉस सिक्सटी वन बाई टू होता है ये भी हो जाएगा वन बाई टू और यहाँ पर भी कॉस सिक्सटी ये भी हो जाएगा वन बाई टू तो इन सब को एक साथ कर लीजिए तो बाहर एक वन बाई टू है और ये बन जाएगा थ्री बाई टू अब जो बचा है उसको फिर से देखते हैं कॉस ट्वेंटी माइनस कॉस एटी माइनस कॉस फोर्टी किन्हीं दो में फॉर्मूला लगाइए तो चलिए इस इन्हीं दोनों में लगा देते हैं ताकि अभी अभी जो फॉर्मूला पड़ा है हमारे को लगाने में भी आसानी रहेगी और आंसर भी हो सकता है इजी आ जाए वन बाई टू इंटू थ्री बाई टू प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी के अंदर साइन का फॉर्मूला लगेगा तो ये बनेगा टू टाइम साइन सी प्लस डी बाई टू ट्वेंटी प्लस एट्टी दैट इज हंड्रेड बाई टू सो दैट इज फिफ्टी इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू है ना उल्टा होता है एट्टी माइनस ट्वेंटी सिक्सटी सिक्सटी बाई टू थर्टी एंड माइनस कॉस फोर्टी को भी लिख सकते हो क्या आप साइन फिफ्टी जैसे पहले हमने कन्वर्ट किया था वैसे ही कॉस फोर्टी को साइन फिफ्टी तो देखिए साइन थर्टी वन बाई टू होता है तो इससे ये कट जाएगा और प्लस साइन फिफ्टी से माइनस साइन फिफ्टी कट जाएगा तो फाइनली आपका बचा थ्री बाई टू तो आंसर कितना आ गया थ्री बाई फोर लेकिन देखिए थ्री बाई फोर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है मैंने आपको कहा था याद रखना है लास्ट में इसको एट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पहले वाली टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया था तो ऑल ओवर एट बचा था तो इसको एट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ट्वेंटी फोर बाई फोर दैट इज सिक्स या इसको काट दीजिए टू टाइम सो थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका क्वेश्चन का वो कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कोर्ट के अंदर बहुत सारी टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करना है लेकिन एक चीज देखिए आप ध्यान से कि पहले वाली ट्रम और आखिरी वाली ट्रम का जो सम आ रहा है वो फोर्टी फाइव आ रहा है टू और फोर्टी थ्री ये भी फोर्टी फाइव आएगा तो हम एक काम करते हैं हम पहली और आखिरी को सॉल्व करते हैं ठीक है इसको लिख लेते हैं वन माइनस कोट थीटा और उसको क्या लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं वन माइनस कोट फोर्टी फाइव डिग्री माइनस थीटा ठीक है इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है चलिए करते हैं वन माइनस कोर्ट थीटा अब कोट का फॉर्मूला तो मेरी तरह बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा तो टेन का लगा देते हैं नीचे ले आते हैं नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा टेन फोर्टी फाइव वन माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन थीटा और इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं कितना आ रहा है इसमें एलसीएम लिया इसको भी कोट को कन्वर्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 10 थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 10 थीटा और यहाँ पर देखिए जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 10 थीटा माइनस 1 माइनस 10 थीटा और डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा हमारे सामने 1 माइनस 10 थीटा तो कितना आ रहा है देखिए 1 से 1 कट जाएगा ऊपर थीटा तो टेन थीटा से टेन थीटा चला जाएगा माइनस टू को बाहर लिया सो माइनस टू टेन थीटा माइनस वन में से माइनस साइन को बाहर ले लिया सो वन माइनस टेन थीटा यहाँ पर बचेगा टेन थीटा डिवाइड बाई एक पहले टेन थीटा है और एक आ गया आगे वन माइनस टेन थीटा तो देखिए ये सारा कट गया ये भी इससे कट गया ये इससे कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया टू तो पहली और आखिरी दो टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा है टू आ रहा है तो ऐसे ही सेकेंड और सेकेंड लास्ट में भी यही चीज चलेगी क्योंकि हमने तो वन और फोर्टी फाइव नहीं लिया हमने तो थीटा लिया था एक मतलब नॉर्मल एंगल तो उसका आंसर टू आ रहा है तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट टू आ रहा है तो सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट भी टू आएगा और ऐसे ही आपके सामने टोटल कितने पेयर बनेंगे तो इस तरीके से आपके सामने टोटल ट्वेंटी टू पेयर्स बन जाएंगे वन टू थ्री अप टू टू इंटू टू टोटल ट्वेंटी टू पेयर्स तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा टू की पावर ट्वेंटी टू और हमें देर का टू में टू की पावर एन तो एन की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी पूरा क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िएगा हमेशा नहीं तो कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपसे पूछा है find the sum of digits of N. N के के का का कितना कितना होगा तो N के डिजिट्स का सम कितना आ रहा है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? के आपको दिया गया है कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है ठीक है और इस इक्वेशन के आपको क्या करने हैं जीरो से पाई के अंदर बताने हैं कि टोटल कितने सोल्यूशन होंगे ठीक है so, सो चलिए बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप साइन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स विल बी इक्वाल टू कॉस थ्री एक्स इंटू साइन नाइन एक्स ठीक है ना साइन एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स विल भी इक्वल टू कॉस थ्री एक्स इंटू साइन नाइन एक्स इसके अंदर दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फार्मूला लगाइए जो फार्मूला हम अभी थोड़ी देर पहले लगा रहे थे उसी फार्मूले के बारे में बात करते हैं ठीक है so, सो चलिए देखते हैं टू साइन ए कॉस भी और उधर भी इस तरीके से देख सकते हो टू साइन ए कॉस भी लेकिन देखिए एक के अंदर आपके सामने कॉस्ट का एंगल बड़ा है और दूसरे के अंदर साइन का एंगल बड़ा है तो ध्यान से लगाना है क्लियर है देखिए साइन और कॉस के आपके सामने एंगल्स है तो किस तरीके से कैसे अप्लाई करना है आ, तो आएगा आपके सामने दोनों साइड साइन वाला फॉर्मूला ठीक है लेकिन एक जगह पे आपके सामने एडिशन होगा दूसरी जगह पे सब्ट्रैक्शन होगा तो इधर जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अगर हम सीधी भी बात करेंगे कि साइन के अंदर फॉर्मूला लगाएं कि साइन ए कॉस्ट भी तो देखिए कितना आएगा साइन एक्स प्लस फाइव एक्स ठीक है ना साइन सी प्लस साइन डी ठीक है सो साइन फाइव एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा साइन सिक्स एक्स और क्योंकि कॉस वाली टर्म बड़ी आ रही है यहां पर ठीक है तो कॉस के अंदर आपके सामने कितना आएगा अच्छा इसके अंदर देखिए आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा ठीक है कॉस फाइव एक्स आ रहा है और साइन एक्स आ रहा है एक एडिशन से टर्म आती है एक सब्ट्रेक्शन से आती है तो कॉस वाली टर्म बड़ी आ रही है दैट मीन्स यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर सब्ट्रेक्शन वाला फार्मूला लगेगा ठीक है ना साइन सिक्स एक्स माइनस कॉस माइनस साइन फोर एक्स ठीक है क्योंकि ये तभी आएगा आपके सामने जब आप क्या करेंगे साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स क्योंकि टर्म बड़ी तभी आएगी क्योंकि डिफरेंस वाले के अंदर ही कॉस्ट में एडिशन होता है ठीक है और उधर आपके सामने साइन नाइन एक्स तो इधर आपके सामने क्या होगा इधर आपके सामने प्लस वाली टर्म आएगी सो साइन नाइन प्लस थ्री दैट इज ट्वेल्व एक्स एंड प्लस साइन नाइन माइनस थ्री एक्स दैट इज सिक्स एक्स ठीक है अब आप इसमें वापस फॉर्मुला लगा करके भी देख सकते हैं तो ये थोड़ी छोड़ सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट बड़ा आ रहा है तो डिफरेंस होगा और साइन बड़ा आ रहा है तो एडिशन होगा इसके बाद में देखिए साइन सिक्स एक्स से साइन सिक्स एक्स कट जाएगा क्योंकि एडिशन के अंदर है बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है साइन ट्वेल्व एक्स माइनस साइन फोर एक्स इसमें एक बार फिर से फॉर्मूला लगाएं साइन ट्वेल्व एक्स प्लस साइन फोर एक्स विल भी इक्वल टू जीरो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा तो वापस आएगा आपके सामने टू टाइम साइन सी प्लस डी बाई टू ट्वेल्व प्लस फोर सिक्स बाई टू एट एक्स इंटू साइन डी माइनस सी बाई साइन सी माइनस डी बाई टू साइन नहीं कॉस क्योंकि दूसरी टर्म कॉस में आएगी ट्वेल्व माइनस फोर एट बाई टू दैट इज फोर एक्स विल बी इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो जीरो हो सकता है और या ये जीरो हो सकता है तो अब देखिए साइन 8x कितनी बार जीरो होगा जीरो से पाई में और कॉस 4x कितनी बार जीरो होगा ठीक है तो साइन 8x की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू जीरो होती है पाई के मल्टीपल्स पर और उसको एट से डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ पर आपके पास में सोल्यूशन आएंगे जीरो पाई पाई, पाई एट जब पाई के मल्टीपल्स को डिवाइड करो और पाई तक चलना है आपको टू पाई पाई एट थ्री पाई पाई एट ठीक है ना फोर पाई पाई एट ऐसे आपको पाई तक चलना है जब तक पाई ना आ जाए फाइव पाइपाई पाई एट सिक्स पाइपाई एट सेवन पाई, पाई एट और एट पाइप पाई पाई तो ये आपका इसका लास्ट सॉल्यूशन होगा किसकी साइन वाली ट्रम का ऐसे ही कॉस्ट जीरो कब होता है कॉस्ट जीरो होता है पाई पाई टू के ऑड मल्टीपल पे ठीक है तो कॉस्ट पाई पाई टू के ऑड मल्टीपल्स जब देखोगे तो सबसे पहला आएगा पाई पाई टू लेकिन उसको आपको फोर से डिवाइड करना है तो इसके अंदर देखिए आपका ये सोल्यूशन आएगा पाई पाई एट फिर थ्री पाई पाई टू आएगा सो थ्री पाई पाई एट फिर फाइव पाई पाई टू आएगा सो फाइव पाई पाई एट और सेवन पाई पाई एट तो इसके अंदर यही चार कॉमन सॉल्यूशंस आएंगे आपके जो इसके अंदर आ रहे हैं क्लियर है तो इस तरीके से अभी आपको जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन दिखाई दे रहे होंगे वो दिखाई दे रहे होंगे नो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नाइन आ रहे हैं लेकिन आपका आंसर नाइन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों देखिए जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी टर्म आती है तो आपको वापस ये भी ध्यान रखना है कि कहीं डिनोमी वाली टर्म जीरो तो ना हो रही होगी तो ये जो एक वैल्यू होगी इसके अंदर फोर पाइपाई पाई इससे आपको मिलेगा पाई पाई टू, और पाई पाई और और पर आपका जो एक्स और है वो क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे और अगर वो जीरो हो रहे हैं दैट मीन ये आपका आंसर नहीं होगा तो जो टोटल आपके आंसर्स होंगे इसके अंदर एट होंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा एट हो जाएगा क्लियर है और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारे पेपर का और वो क्या है इसके अंदर आपको एक इक्वेशन है सेक के अंदर और इसको आपको बताना है कि इसके एग्जैक्टली सात डिस्टिंग सॉल्यूशन कौन से इंटरवल में होंगे तो देखिए टेन और सेग में है तो सेग में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा टू टाइम्स सेग स्क्वायर एक्स सेग स्क्वायर को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं टू टाइम एस स्क्वायर माइनस वन माइनस फाइव एस माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो कितना आ रहा देखिए टू एस स्क्वायर माइनस फाइव एस और यहाँ से आएगा माइनस टू एंड माइनस वन दैट विल बी माइनस थ्री विल बी इक्वल टू जीरो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे टू एस स्क्वायर माइनस माइनस फाइव एक्स लेके आना है सो सिक्स एस माइनस प्लस एस माइनस थ्री विल भी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से टू एस कॉमन आएगा वहां से वन और यहाँ से एस माइनस थ्री विल बी जीरो तो देखिए सेग एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू तो हो नहीं सकती क्योंकि सेग एक्स या तो वन से बड़ा होता है या माइनस वन से छोटा होता है तो यहाँ से तो कोई आंसर आएगा नहीं और यहाँ से आपके सामने आंसर्स आएंगे सेग एक्स की वैल्यू थ्री जब होगी तो जब सेग एक्स थ्री होगा तब कॉस एक्स कितना आएगा कॉस एक्स हो जाएगा आपका वन बाई थ्री क्लियर है क्योंकि हमारे लिए कॉस एक्स के ग्राफ से देखना थोड़ा सा ईजी रहेगा अब हमें देखना है कि इसमें एग्जैक्टली exactly सात सोल्यूशन कब होंगे तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं कॉस एक्स का ठीक है कॉस एक्स का ग्राफ जीरो से टू पाई में ऐसा होगा ठीक है ये टू पाई तक पहुँचे हम ठीक है ना कौन सा पॉइंट है टू पाई ऐसे ही फिर हमें आगे चले फोर पाई ऐसे ही फिर हम आगे चलेंगे सिक्स पाई और ऐसे ही फिर हम आगे चलेंगे एट पाई ठीक है तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है आपका जीरो से एट पाई एट पाई तक ही क्यों बनाया है क्योंकि मेरे को ये देखना है कि कॉस एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री जब होगी ठीक है ना कॉस एक्स की वैल्यू जब वन बाई थ्री होगी ठीक है तो ये इसको कितनी बार सात बार कब तक कट करेगा और मेरे को जीरो से ही स्टार्ट करना है तो देखिए कॉस एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री ऊपर ही होगी और इस तरीके से मैं चल रहा हूं अभी तो काउंट कर लेते हैं कितने आ गए एक दो तीन चार पांच अभी और आगे चलना है छ और सात और इसके बाद में आपको देखना मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं तो मैक्सिमम और क्योंकि पाई पाई टू का मल्टीपल है वो ठीक है तो हम यहां तक आ सकते हैं इस पॉइंट तक क्योंकि इसके आगे अगर चले गए तो फिर एक बार और कट कर जाएंगे तो ये आपका क्या होगा एंडिंग पॉइंट होगा ठीक है और ये आपका क्या है एट पाई से पाई पाई टू पहले है जस्ट पहले है तो ये आपका जाएगा इस तरीके से जीरो से लेकर के फिफ्टीन पाई पाई टू तक और यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे जो एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी फिफ्टीन हो जाएगी ठीक है सो so, हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका वो कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा सो so, इसी के साथ हमारा आज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है ठीक है तो बाकी जो भी अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो ठीक है तो आप डाउट क्लास में आगे पूछ सकते हैं ओके थैंक यू